नमस्कार, दर्श न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित कुमार। भाजपा की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से लोगों को क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या सुनना है, सब कुछ केंद्र सरकार तय करती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। साथ में उन्होंने केंद्र के कई मुद्दों पे सवाल भी उठाया है और कामों पे भी सवाल उठाया है। साथ में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। कहा ईसी यानी इलेक्शन कमीशन केवल चुनाव की तारीख बताती है तो ईडी यानी इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी चुनाव करवाती है, तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। आप MSP मांगेंगे, हम इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे कि आप धान मत उगाइए, आप दाल उगाइए, आप गेहूं मत उगाइए, आप कपास उगाइए। कपास खाइए, दाल पीजिए। किसान 7 दिनों से देश में बंधक बनाए गए, जो राज्य सरकार की पुलिस अपने यहाँ की बेटियों को, बहुओं को, युवाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो एयर सेलिंग कर रहा है। किसान आम मांगते हैं, उनको इमली समझाया जाता है। किसान MSP मांगते हैं, उनको इनोवेशन समझाया जाता है। अब तो कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया बात कह दी अपने अधिवेशन में कि हम बिना शपथ लिए, बिना चुनाव का देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, विदेशों से मुझे न्योते आने लगे। आप यदि हमारे साथ हैं, जो कहावत है ना, आइदर माई वे और हाईवे, तो ये आज का स्थिति है और हमारे राज्य में भी इसको सीधा सीधी इसका साक्षी बना है। जिनको चक्की पिसिंग 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 हो रहा था, वो डिप्टी CM, जिनको गिरफ्तार किया गया वो भाजपा के नेता, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक बात कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और किया उन्होंने कांग्रेस युक्त भाजपा। पिछले 10 वर्षों में, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा है, अन्य दल भी हैं, 740 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए। 740 जिन पर प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा कभी ना कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था, उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। आज वो सभी लोग उनके उंगली के नगीने हैं।
तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। सुप्रियो भट्टाचार्य सीधे तौर पे बीजेपी को वॉशिंग मशीन बता रहे थे, क्योंकि जिन्हें जेल जाना था उन्हें भाजपा में डिप्टी सीएम बना दिया गया और 740 ऐसे लोग हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, लेकिन वो बीजेपी में जाके बेदाग साबित हो गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।